use table identity to find the solution x plus 4 multiply x plus 10. हमें इस क्वेश्चन को एक आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करना है. सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखा कि जो मेरी फर्स्ट टर्म्स दोनों ब्रैकेट की है वो सेम है, बट जो सेकंड टर्म है वो क्या है, डिफर है. इसलिए मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करूँगी. इसमें भी देखिए एक्स एंड एक्स फर्स्ट टर्म सेम है एंड ए बी सेकंड टर्म क्या है, डिफर है. इसलिए मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करूँगी. सो जो मेरा क्वेश्चन है वो ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड है. इसलिए अब मैं क्या करूँगी, इस लेफ्ट हैंड साइड को इससे कंपेयर करूँगी. अब इन दोनों को कंपेयर करने पर ए मेरा क्या आ गया, 4 एंड बी क्या आ गया, 10. मींस ए क्या है जो फर्स्ट ब्रैकेट की दूसरी टर्म एंड बी क्या है सेकंड ब्रैकेट की दूसरी टर्म. अब इस चीज़ को मैं राइट हैंड साइड में पुट करूँगी एंड मेरा क्या है सोल्यूशन आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ओके प्लस ब्रैकेट स्टार्ट ए प्लस बी क्या है 4 एंड 10. सो ये मेरा क्या आ गया 4 प्लस 10 एक्स प्लस ए इंटू बी मतलब 4 इंटू 10. अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स 10 प्लस 4 क्या हो गया 14 प्लस 4 टेन ज़ा 40. So this is my answer.